डी संडे 11 नवंबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जिसका डिस्कशन मैं अभी आपसे करने जा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, सेकंड बीपीएल की बात हो रही है, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, तो साहब तीर्थ दर्शन यात्रा इसका सही उत्तर होगा। तीर्थ दर्शन यात्रा आपको याद होगा, 60 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हैं जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं उनके लिए 400 नए स्थानों की पहचान की गई है और उन पे हरियाणा सरकार इनको अलग अलग जगहों पे भेजेगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बात धर्मशाला, मंसूरी, शिमला, कसौली, छावनी कस्बे, मंसूरी, इनकी बात हो रही है, लैंसडाउन, रानीखेत की बात हो रही है। तो पहली बात तो ये वो क्षेत्र हैं जो स्वास्थ्यवर्धक केंद्रों में आते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय में तो हो नहीं सकते, महान हिमालय में भी नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है ग्रेटर हिमालय में। शिवालिक में वैसे नहीं है क्योंकि ये शिवालिक चंडीगढ़ वाली बेल्ट आ जाएगी। तो फिर बचा आपका सही उत्तर होगा इसका बी, लेसर हिमालय इज़ द राइट आंसर। फोर्थ वन आपका करंट अफेयर से है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने एक्वाफायर मैपिंग को पूरा कर लिया है। एक्वाफायर मैपिंग क्या होती है, जो भूमिगत जल है वो कितने प्रतिशत है हरियाणा के नीचे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक्वाफायर मैपिंग कहते हैं साहब इसको। नेक्स्ट चलिए साहब, साइंस का क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयनिष्ठ ऑक्साइड क्या होता है बता देता हूँ मैं। ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, यानी कि जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी करे। तो सिक्स का ए ऑप्शन है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं साहब इसको। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल की बात हो रही, कल के पेपर में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो घास के मैदानों से जुड़े हुए थे, तो कल और आज वाला पेपर कुछ कुछ मिलते जुलते से हैं। सातवें में देखिए साहब, पहला लिखा हुआ है कि 9 देशों के ऊपर फैला हुआ है, बिल्कुल नहीं, 12 देशों में फैला हुआ है, तो स्टेटमेंट टेक अपने आप में ही गलत है। नेक्स्ट है आपका, इट इट्स एरिया इज मोर देन 2 टाइम्स लार्जर देन होल इंडिया। तो साहब इसका एरिया 9.2 है और भारत का एरिया 3.2 है। इट्स एरिया इज मोर देन 2 टाइम्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो सेवेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। महाभारत 18वें अध्याय में भगवद गीता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नाइन्थ में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड अभी जो आपका आया था इसका कहाँ कहाँ ये एग्जैप्ट एक्सेप्ट है ये बताया है हमने, तो इसका डी सही उत्तर है, 1, 3, 4, 2 इसका रॉन्ग है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए 10th क्वेश्चन, विधिमंडल ने नगर निगम, ये साहब कल के पेपर में भी आया हुआ था, हरियाणा म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट 31 मार्च 2017 इसका सही उत्तर होगा। 11वां, सलाल जल विद्युत परियोजना बिल्कुल सही है, परम्बिकुलम ये तमिलनाडु में नहीं है साहब, ये केरल में है। तो 11th का आप समझ गए हैं, जब फर्स्ट ही सही है तो केवल एक ही सही होगा, 11th का ए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में स्लेट पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, स्लेट रेवाड़ी में कुंड नामक स्थान पर मिलता है, गुरुग्राम में भी मिलता है। बेकिंग सोडा की बात हो रही है और खाने वाला तेल को आपस में मिला देंगे तो इस प्रकार से टार्टरिक एसिड होगा जिसका इस्तेमाल आपका बेकिंग में किया जाता है, तो टार्टरिक एसिड इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य में खालिस्तान झीलें, साहब ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है क्योंकि ऐसे कहीं पे भी किसी भी आधिकारिक रूप से हरियाणा सरकार ने नहीं कहा है कि हमारे पास कितनी झीलें हैं। यूं तो गिने तो झीलें कम से कम 15 से ज़्यादा बनती हैं, लेकिन अब इसमें साहब क्या सही लगाएंगे वो तो आंसर की पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इसमें 7 टिक करके आऊँगा, 7, 14th का ए। जी हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट टुक प्लेस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंडिया करंट अफेयर से है, इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च 2016, क्योंकि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है ये आपका 3 साल बाद होता है, यानी कि 16 के बाद ये सीधा 19 को होगा, तो 16, 11, 14, 17 ये तो बिल्कुल नहीं है। 16 इसका सही उत्तर, 2007 से शुरू हुआ है ये भी याद रखिएगा, 2007, 2010, 13, 16, 19 इस तरीके से चलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीज हरियाणा के किस स्थान पर मिलता है? मैग्नीज, मैग्नीज साहब महेंद्रगढ़ में मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ हरियाणा के मिलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। बार बार क्वेश्चन आता है कि खनिजों का शहर किसे कहते हैं, तो साहब खनिजों का शहर एक ही है जिसको हम
महेंद्रगढ़ कहते हैं। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो इसका सही आंसर डी आएगा, इनमें से नन ऑफ दीज आएगा, 21 का नन ऑफ दीज। 22 पे चलिए, उर्दू पोइट्री अमीर खुसरो साहब, नो डाउट फारसी भाषा के ये कवि रहे हैं। खुसरो आपको याद होगा मैंने बताया था, खुसरो साहब ये अपने बाबा फरीद से भी संबंध रखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया से भी संबंध रखते हैं। तो खुसरो ये वही व्यक्ति जिसने तबला बनाया था, कव्वाली बनाई थी। तो उर्दू में सबसे पहले लिखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो ये अमीर खुसरो है। 1253 ईस्वी के आसपास ये रहा है, ये भी याद रखिएगा। बाणभट्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, हर्षचरित्र आएगा साहब, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवियों में से थे साहब। 26वां क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा है, तो पहले तो आप ये निर्धारित कर लें कि इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक नदी दो ही हैं, एक तो है सोन और एक है कोसी, तो बी और डी में से एक उत्तर होगा। फिर पूछा है कि दाईं ओर से कौन सी आके मिलती है, दाईं का मतलब होता है राइट साइड से। तो गंगा ऊपर से नीचे आएगी तो गंगा की राइट साइड से उसमें सोन नदी आके मिलती है साहब, तो 26वें का बी। एक और बता दूं, सोन नदी आपके ये निकलती है सतपुड़ा पर्वत का जो मैकाले रेंज है वहाँ से निकलती है, और उत्तर भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये SSC में बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर आपके लिए बड़ा कमाल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटली स्टैंड्स फॉर द वर्ड एथिक्स? तो इसमें से साहब डी आएगा, इसका नन ऑफ दीज आए, ऑल ऑफ द अबव आएगा, सॉरी 27 का ऑल ऑफ द अबव। एथिक्स मतलब जो आपकी नैतिकता है उसको परिभाषित किया गया है यहाँ पर। 30 का आंसर है साहब खंडवा, हरियाणा के लोगों द्वारा जो पहनी जाती है उसे खंडवा कहते हैं। पेपर आपका कुल मिला के ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है। भगवद गीता के अनुसार क्रम आएगा साहब, काम किए जाओ फल की चिंता मत किए जाओ, भगवान जी ने कहा है आपसे। अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल प्रोडक्शन की बात हो रही है तो मैं बता दूं, तंत्र नहीं है बताना है। तो इनमें से स्पोरोजेनेसिस भी है, फ्रेगमेंटेशन भी है, अपोमिक्सिस भी है। तो इसका सही आंसर 33 का डी होगा, 33 का डी राइट आंसर है। 34 मुस्लिम लीग के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इट वॉज एम्बिगियस अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया, सी आएगा साहब, ये तो चाहते थे कि ये हो। प्रोबोनो ये एक आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, आजकल न्यूज़ में है ये। इसका मतलब होता है लीगल सर्विस ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि किसी को जो कानूनी सलाहें आप देते हैं, सेवाएं देते हैं, उनके लिए आप कोई फीस नहीं लेते। तो साहब ये आएगा 35 का, निःशुल्क विधिक सेवाएं। भगवान राम, अभी दशहरा मनाया हमने। 37 क्वेश्चन, भगवद गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत हो रही है साहब। बार्बर कौन सा शेविंग मिरर इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है ये। चलिए साहब, साल्मोनेला टाइफी ये एक जीवाणु का नाम है जिसकी वजह से टाइफी, गोत्र टाइफी है तो टाइफाइड होगा साहब, आंतों में आपके दर्द हो जाता है इससे। प्रकाश का त्यौहार है, दिवाली है साहब, ऑफकोर्स अभी मनाया हमने 7 तारीख को। किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, लाल रक्त कणिकाएं, इसका सही उत्तर होगा। मछली के हृदय में 4 कमरे होते हैं। फसलें जो नवंबर में काटी जाती हैं और साहब जून में बारिश के महीने में बोई जाती हैं, यानी कि जो फसलें अभी हम खेतों में काट रहे हैं वो है खरीफ की फसलें। कल ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही उत्तर था रबी की फसलें। ओके, तो कुछ मिलता जुलता है आपका। चलिए 45 की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 का जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेवोल्यूशन ऑफ पोलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट हमें बताना है इस चारों में से। तो इनकरेक्ट इस क्वेश्चन की चारों स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सी उटपटी सी लगती हैं, तो 45 को भी थोड़ा होल्ड पे रखिएगा, क्योंकि वंस आई मैंने काफ़ी इसको चेक भी किया है, थ्रोले भी पढ़ा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज़। तो 45 को भी रोकिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं बताऊंगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा। चलिए 48 बड़खल झील, नो डाउट साहब फरीदाबाद है। हेन सांग एक चीनी यात्री था, राजा
हर्षवर्धन के समय में ये आपका आया है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये ग्रंथि होती है गले में। आपने सुना होगा कि कौन सी ग्रंथि में आयोडीन की कमी से सूजन आ जाती है, थायराइड में। तो साहब आयोडीन इसका सही उत्तर होगा, 51st का डी। साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं। साहब ये कावेरी तो है नहीं, कुमुदवंती है नहीं, जगदात्री दृष्टवंती, दृष्टवंती खुद अपने आप में एक नदी है दूसरी, हालांकि है तो ये ऊपर, बट इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 52nd का जो आंसर है, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन 52nd का, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है। 53rd कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बी आएगा साहब राइट आंसर। नर्तत्वहीन आपका जो लीडरलेस मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सिपाही 1857, सिपाही विद्रोह था साहब 1857 की क्रांति। 58वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है साहब, हर बार पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत जल्द जो आपका चैनल है स्टडी हाईवे, उस पर मैं ये एक्सप्लेन भी करूँगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, अच्छे से इसको बना के फिर डालूँगा। तो इसका साहब एक फॉर्मूला आपको लगाना है, आई बराबर है वी बटे आर, आई बराबर है वी बटे आर। आप एक काम करेंगे, पूरे के पूरे सर्किट का आप निकालिए प्रतिरोध, और वोल्टेज आपको दी हुई है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में साहब करंट हमेशा सेम रहता है और वोल्टेज आपकी वेरी करेगी। तो आपको करंट निकालना है 5 ओम वाले प्रतिरोध के चारों तरफ, तो आप चाहे 2 का निकालिए चाहे 3 का निकालिए, करंट की वैल्यू सेम ही आएगी, 0.3 एम्पियर आएगी, वोल्टेज की वैल्यू वेरी करेगी। तो इसका 458 का राइट आंसर है बी, आई बराबर है वी बटे आर का फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। गांव के पंचायत का मुखिया सरपंच आप जानते हैं। राज्यसभा सीटों के बारे में पूछा है साहब, 5 हैं इसमें, ठीक है। अभी नए देवेंद्र पाल वत्स जी बने हैं जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के आपके डीन भी रहे हैं। 63rd क्वेश्चन, एंग्लो मैसूर वॉर की बात हो रही है साहब, इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 है वो रॉन्ग है। जब स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है तो फिर इसका सही आंसर ए बन जाता है, 63rd का ए। 1, 2 और 4 आपका सही है। सारे क्वेश्चंस आसानी से आप नोट करेंगे, बहुत बढ़िया पेपर दे रखा है। 64th नो डाउट डी आएगा साहब, 64th का डी, 1994 पहली बार कब पारित हुआ है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये मैंने बहुत बार क्लास में आपको बताया है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन दिया हुआ है, हु इज़ बेस्ट प्लेयर, हु इज़ द आएगा, ये तो ठीक है, अंग्रेज़ी तो मेरा विषय नहीं है। जीएस के 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से डाउटफुल हैं, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। बाकी जो पेपर है, पेपर आपके सामने हैं, आप इसको पॉज कर करके अपने आंसर्स जो हैं हिंदी वाले जो भी हैं आप ढूंढते रहिएगा। जीएस का सोल्यूशन मैंने आपको पूरा दे दिया है, और जैसे मेरे पास इवनिंग का आता है पेपर, आई विल अपलोड दैट सोल्यूशन इमीडिएटली।